सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्रीमापिन सिरप्स। क्रीमापिन सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है और जनरल फिजिशियंस इसको क्यों रिकमेंड करते हैं और कब्ज में दिया जाने वाला ये सिरप्स इतना यूजफुल क्यों है, तो क्रीमापिन सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल पर या वीडियो पर पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं। क्रीमापिन सिरप जो कि हमारे पास 225 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 174 यानी कि 174 रुपये के करीब इसकी MRP है। क्रीमापिन सिरप को एबोट्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारी एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। क्रीमापिन सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स अलग है। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा है लिक्विड पैराफिन। क्रीमापिन सिरप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कब्ज के इलाज में किया जाता है। सरल भाषा में बताए तो अगर आप कोई पेशेंट्स को जिसको भूखने लग रही है या उसका पेट साफ नहीं हो रहा है या उसको पेट साफ करने में बहुत दर्द होता है या फिर उसका मल्स गुदा से बाहर नहीं निकलता हो या फिर जो वो खाता है या भोजन वगैरह करता है तो वो जल्दी से डाइजेशन ना होता हो या फिर कोई लेडीज जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या कुछ सर्जरीज वगैरह हुआ है तो ये सिरप्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उनका लैक्सेटिव्स नॉर्मल रहेगा। क्रीमापिन सिरप्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताए तो इसको आप सुबह शाम खाने के बाद एक एक ढक्कन ले सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन नॉर्मल हो सके। क्रीमापिन सिरप्स को लेने से आपका पेट साफ हो जाएगा और डाइजेशन भी नॉर्मल हो जाएगा। क्रीमापिन सिरप्स का इस्तेमाल 15 से 60 साल की एज वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है, बच्चों को ये सिरप्स नहीं दिया जाता है। क्रीमापिन सिरप्स अगर आप कंटिन्यू ले रहे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट इतने नहीं होते हैं, बहुत ही कम केस में इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, डायरिया होना, ये साइड बहुत ही कम केस में आता है। अगर आप क्रीमापिन सिरप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेली आप 10 से 15 गिलास पानी पिए। क्रीमापिन सिरप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा, ना मिले तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। क्रीमापिन सिरप्स अगर आपको ना मिले तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड आते हैं, जैसे कि स्मूथ सिरप्स, लूज सिरप्स, वो आप ले सकते हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। क्रीमापिन सिरप्स किस प्रकार काम करता है? क्रीमापिन सिरप्स एक लेग्जेटी है जो मल को आगे धकेलने के लिए पेस्टिसाइड्स आंतों का लहरनुमा मूवमेंट को बढ़ाता है और तरल पैराफिन्स एक लुब्रिकेंटिस लेग्जेटी है जो मल में पानी और वसा को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऑस्टोमिक्स लेग्जेटी है जो ऑस्टियोसिस या प्रसंस के माध्यम में आंत में पानी खींचकर काम करता है और मल को नरम बनाता है, साथ में मल त्याग करना आसान बनाते हैं। क्रीमापिन सिरप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियंस या अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बाद में इसका यूज़ करें, अपने मन से इसका यूज़ कभी भी न करें। क्रीमापिन सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया वहाँ पर बताएं। क्रीमापिन सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल या हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।